डॉक्टर वैभव शाह, सूरत शहरनो निवासी अने भारत देशनो वतनी। बहुत ही लोगों ने एक बहुत ही कॉमन प्रश्न पूछा है कि अभी के समर के सीजन के अंदर और ये कोरोना वायरस के अंदर एसी चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। और एक दूसरा उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या एसी चलाने से कोरोना हो जाएगा या कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के दोनों के रिलेशन में एक गाइडलाइन जारी किया गया था। तो गाइडलाइन के हिसाब से अगर हमको एसी चलाना है तो उसका जो रूम टेम्परेचर है वो 24 डिग्री टू 30 डिग्री के बीच में रहना चाहिए। 24 डिग्री टू 30 डिग्री के बीच में अपना वो रहना चाहिए। और जो ह्यूमिडिटी लेवल जो आता है वो 40% टू 70% के बीच में रहना चाहिए। जो ह्यूमिडिटी लेवल आता है वो 40% टू 70% के बीच में रहना चाहिए। और एक दूसरा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही है कि एसी के अंदर जो फिल्टर्स आते हैं वो फिल्टर्स को अपने को रेगुलरली साफ करना चाहिए कि जैसे वहाँ से कोई भी डस्ट पार्टिकल्स या कोई भी चीज़ हो वो पार्टिकल्स अंदर शिफ्ट नहीं हो। एक स्टडी है जो 100 स्टडी चाइना के अंदर 100 लोगों ने मिलकर जो स्टडी किया था उसके अंदर ऐसा बोला गया है कि हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के अंदर कोरोना का जो वायरस है वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता है। दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये भी कही गई है कि एक हॉस्पिटल के अंदर एक सेंट्रली एसी था, तो वो जो सेंट्रली एसी था उसके अंदर एक रूम के अंदर जो एसी का जो ब्लोअर चलता है और वही रूम के अंदर वही पाइपलाइन से दूसरे रूम में भी वही ब्लोअर चलता है। तो ऐसा हो सकता है कि कोरोना वायरस के कई कई जो वायरसेस है वो एक रूम में से दूसरे रूम के अंदर वो ट्रांसफ़र होके उस तरह का इन्फेक्शन वो फैला सकते हैं। कोरोना वायरस एयरबोर्न वायरस है नहीं है आज भी उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है क्योंकि अभी भी किसी को वो पता नहीं है। लेकिन ऐसा पब्लिश किया गया है कि चाइना के अंदर उन लोगों ने कहीं कहीं हॉस्पिटलों के अंदर जो सेंट्रल एसी थे वो निकाल के उन लोगों ने इंडिपेंडेंट एसी इंडिपेंडेंट रूम ने लगा दिए है। तो अगर आप में घर आपका घर का एसी है तो आप अगर आपका घर का एसी आप चलाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वही सेंट्रलाइज एसी है कोई कॉम्प्लेक्स में सेंट्रलाइज एसी है तो वो चलाना आज की तारीख के अंदर मेरे हिसाब से इतना एडवाइजेबल नहीं है। फिर भी अगर इसके रिलेटेड आपके साथ आपके पास कोई भी जानकारी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।